हेलो, मेरा नाम है यासिर। आप देख रहे हैं टेक्नो ट्राय। तो भैया, आप आज की इस वीडियो में मुझे आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताना था कि आपको को याद होगा, आज से कुछ टाइम पहले एक ब्लू वेल नाम की एक गेम बहुत पॉपुलर थी, जिसमें बच्चों को, छोटे बच्चों को अलग अलग तरह के टास्क दिए जाते हैं। मतलब उनको अपने साथ टास्क दिए जाते हैं और फिर आखिर में उनको एक सुसाइड टास्क दिया जाता था, जिसमें उनको कहा जाता था कि आप उनसे अपने आप को सुसाइड कर लो। तो अभी भी ऐसा ही एक गेम मोमो चैलेंज नाम का एक गेम वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो कि भैया, ये गेम ऐसा है कि इसमें भी आपको वैसे ही मतलब टास्क दिए जाते हैं, अपने ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिसमें आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओ और फिर आखिर में टास्क दिया जाता है कि आप सुसाइड कर लो। तो भैया, ये ब्लू वेल जैसा ही गेम है, मोमो चैलेंज नाम है इसका। और इसमें जो है ना, एक तस्वीर यूज़ की जाती है, ये फेसबुक से शुरू हुआ था, अब व्हाट्सएप के जरिए धीरे धीरे काफ़ी वायरल होता जा रहा है। इसमें एक तस्वीर ली जाती है जिसमें एक औरत है जिसके बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो वो तस्वीर थोड़ी सी डरावनी है। तो वो इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें जो है, बच्चे जो है उनकी तरफ ही अपना सारा ध्यान रख लें, बच्चे अपनी तरफ जो है ना, उनका ध्यान, बच्चों का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इसकी वजह से वो तस्वीर वो लोग यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक गेम है। ये जो तस्वीर है ना, ये एक बेसिकली एक चाइनीज आर्टिस्ट हैं, मिगा की साका, जिन्होंने ये आर्ट बनाई थी और इस आर्ट का नाम है मदर बर्ड। ये उनकी इसमें, हालांकि उनका जो है ना इसमें कोई हाथ नहीं है, ये कोई और है जो उनकी तस्वीर लेके, उनकी आर्ट को लेके जो है वो कर रहा है, क्या कहते हैं, यूज़ कर रहा है उनका। तो यार, इससे मैं आपको आज अवेयर करना चाहता हूँ। और भैया, आप भी अपने बच्चों से बात करो, अपने बच्चों को देखो कि कोई वो ऐसी चीज़ है यहाँ पर, वो उनको क्या कोई तकलीफ है जिसकी वजह से वो बात नहीं करें, उनसे पूछो अगर कोई तकलीफ है तो हमें बताओ, उनसे बात करो। और अगर आपको लगे कि वो कोई ऐसा वैसा कोई चीज़ कर रहे हैं, ऐसी कोई गेम खेल रहे हैं, तो उन्हें रोक लो अभी की अभी। ये बेसिकली 11 से 15 साल तक के बच्चों को, 10 से 15 साल तक के बच्चों को ही इसमें टारगेट किया जाता है। और ये कोई आम लोग नहीं होते, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब जिनको कुछ अपने आप में ठीक नहीं लगता और वो ऐसी गेम्स खेलते हैं, लोग जो मरना चाहते हैं, जो सुसाइड करना चाहते हैं पहले से ही, और ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं, उन लोगों को ढूंढते हैं फेसबुक पर। और अब भी अपने बच्चों से यार, ये इस बारे में, इस गेम के बारे में बात करो, उन्हें बताओ कि ऐसा ना करें। अगर उनके पास कोई ऐसा गेम आता भी है तो वो ना करें। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा इनवैलिड क्लिक वगैरह, ऐसा कोई लिंक विंक आती है, तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक गेम है। और तो इसीलिए ये वीडियो में बताना चाहता था आपको। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जान पाएँ, शायद ज़्यादा लोग इस जान को जान पाएंगे इस चीज़ के बारे में, इस गेम के बारे में, तो वो लोग अपने बच्चों से शायद बात कर लें, अपने बच्चों को संभाल लें। और 1 मिनट की देरी बिना आप किसी एक बच्चे की जान ले सकती है। अगर आप 1 मिनट पहले कुछ भी कर लेंगे ना, 1 मिनट पहले बचेंगे ना, तो एक बच्चे की, आपकी एक क्लिक से एक बच्चे की जान बच सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे लाइक, कमेंट वगैरह, सब्सक्राइब कुछ भी नहीं मांग रहा, बस इतना मांग रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके इस गेम के बारे में, और वो लोग भी अपने बच्चों से बात कर सकें, उन्हें संभाल सकें उन गेम के आने से पहले ही। और आप लोग भी, अगर आपको कोई ऐसी लिंक विंक आती है उस पर क्लिक करने की, या कोई इनवैलिड लिंक है, कोई ऐसी लिंक है जिसको आप नहीं पहचानते, तो उस लिंक पर क्लिक मत कीजिए। अपना जो आपके जो पासवर्ड वगैरह हैं अकाउंट्स के, आपके जीमेल, फेसबुक वगैरह के, उसको भी आप चेंज करते रहिए। तो बस भैया, आज के लिए बस इतना ही है। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोगों को इस वीडियो के, इस गेम के बारे में पता चल सके। तो बस मैं आंसर आपसे अलविदा लेता हूँ, अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।